दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार है और इसे सभी धूमधाम से मनाते नजर आते हैं। इस बार 2 नवंबर से दिवाली चालू होगी जो 6 नवंबर भाई दूज तक मनाई जाएगी। बता दें कि दिवाली नजदीक है, ऐसे में सभी अपने घरों की साफ सफाई रंग रोगन में जुट गए हैं, खरीदारी शुरू हो चुकी है, साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी तमाम तरह के उपाय करते नजर आएंगे। दिवाली पर इस बार चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस दिन मंगल, सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति बनेगी। ग्रहों का ये संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रहों के एक साथ आने पर कुछ राशियों को बहुत शुभ फल मिलेंगे और 5 राशि वाले लोगों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। ये आपको बताते हैं कि वो 5 राशि कौन सी है। मकर राशि के जातकों को दिवाली के मौके पर पिता से लाभ प्राप्त होगा, करियर में आ रही परेशानी दूर होगी। इन राशि के जातक दिवाली के मौके पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। 4 ग्रहों की युति से कन्या राशि के जातकों को समाज में मान सम्मान मिलेगा। इस दौरान संपत्ति में वृद्धि होगी, करियर से जुड़ा कोई अहम फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी। मिथुन राशि के जातकों को दिवाली के मौके पर शुभ परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव में ग्रहों की इस युति के कारण आपका बौद्धिक विकास होगा। इस समय मिथुन राशि के जातकों के करियर के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान इनके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा की युति विशेष लाभ देकर जाएगी। इस दौरान ये चतुर्ग्रह एकादश भाव में रहेंगे। इस राशि के कारोबार से जुड़े लोगों को खूब लाभ मिलेगा। दिवाली के मौके पर कीमती गिफ्ट भी मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं। इस दौरान पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आर्थिक लाभ होगा। दिवाली के मौके पर वाहन खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक प्रॉपर्टी बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.